चलते हैं अपने फर्स्ट स्केल की तरफ दैट इज 9.2 टू 9.4 पार्ट ए यू कैन इजीली ओपन द स्केल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक और बाय स्कैनिंग द कोड दैट इज अवेलेबल ऑन योर बुक्स सो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे या कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास इस तरह की वर्कशीट ओपन हो जाएगी इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वर्कशीट यू हैव टू लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन द गिवन वेव यहां पर आपको दो वेव दी गई हैं द फर्स्ट वन इज द एक हमारे पास ट्रांसफर्स वेव है जबकि दूसरी हमारे पास लॉन्गिट्यूडल वेव है तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीन कॉम्पोनेंट्स uh, को इन वेव्स के अंदर लेबल कीजिए वेरी गुड सो लेट्स वेरीफाई कि आपने इसको करेक्ट तरीके से सॉल्व किया है या नहीं तो अगर हम अपनी फर्स्ट वेव में देखें तो हमारे पास जो डेंसर पार्ट है दैट इज कंप्रेशन जबकि हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस वी लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर दैट दिस इज नॉन एज वेव लेंथ जबकि लेस्ट एंसर पार्ट है उसको हम नाम देते हैं रेयर फैक्शन का इसी तरह अगर हम अपने सेकेंड वेव के अंदर देखें तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसि क्रस्ट और ट्रफ ये ट्रफ भी हो सकता है क्रस्ट भी हो सकता है लेकिन चूंकि हमारी uh, दी गई वेव के अंदर ट्रफ uh, मैंशन है तो इसी लिए हम इसको लेबल करेंगे एज थ इसी तरह हमारे पास जो अपर पार्ट है वेव का जो कि मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ है उसको हम नाम देंगे क्रस्ट का जबकि लोएस्ट पार्ट को हम नाम देंगे ट्रफ का इसके अलावा हम दोनों वेव्स के अंदर हम लेबल करेंगे कि हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है और प्रोपागेशन ऑफ वेव क्या है तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो स्लिंग की स्प्रिंग यानी जो फर्स्ट वेव है उसके केस में हमारे पास डायरेक्शन इस तरह से होगी और प्रोपागेशन की बात करें तो वो इस तरफ होगी लेकिन अगर सेकेंड वेव की हम बात करें तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी जबकि वेव्स की प्रोपगेशन स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास होगी तो ये दो वेव्स हैं जिसमें हमने कॉम्पोनेंट्स को और उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इनकी मूवमेंट को हमने लेबल किया इसके अलावा आप अगर अपनी प्रीवियस स्केल के अंदर देखें तो हमारे पास लास्ट पार्ट है ड्रॉ दस जिसको हमने कर लिया एंड द लास्ट पार्ट इज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ टाइप ऑफ वेव्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस लास्ट पार्ट यू हैव टू राइट टू एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ टाइप ऑफ वेव्स द वेव एंड द लोंगी वेव्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अगली स्किल uh, की तरफ दैट इस्किल नाइन पॉइंट फाइव अब हम इस स्किल को सॉल्व करने के लिए हम इन इस स्किल के अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे लोंगिट्यूडनल और ट्रांसफर्स वेव का बिहेवियर को और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इजीली इस स्ट्रीट को ओपन कर सकते हैं और इसको समझने के लिए आपको तीन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ़ ट्रांसफर्स वेव फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव एंड ऑल्सो फॉर द स्पीड ऑफ वेव्स अब इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए आप कुछ वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं जिनका लिंक यहाँ